त्रिपुरा एक स्वतंत्र राज्य था जहां पर 185 राजाओं ने सफलतापूर्वक शासन किया था। उनमें से एक राजा था जिसका नाम था त्रिपुरेश्वर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव वर्मा बहादुर, जो अपनी वफादारी, ईमानदारी और सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। इस वीडियो में हम उनके 1936 के दूसरे यूरोपीय दौरे के बारे में बात करेंगे, जिसे दूसरा यूरोपीय दौरा के रूप में जाना जाता था। इस दौरा में महाराजा वीर विक्रम ने, जो पहली बार आपने महारानी कंचन प्रभा देवी के साथ थी, उसके अलावा मानेवर राणा बोध जंग बहादुर, कैप्टन ब्रजलाल देव वर्मा, ठाकुर नागेंद्र देव वर्मा, ठाकुर मुकुंद देव वर्मा और डॉ प्रमोद देव भी थे। इस दौरे का काम मुख्य उद्देश्य अपनी बहन युवरानी बसंत प्रभा देवी को देखना था, जो चिकित्सकीय सलाह पर स्विट्जरलैंड में रह रही थी और जिनके उदासीन स्वास्थ्य से महामहिम महाराजा वीर विक्रम को बहुत चिंता हो रही थी। महाराजा वीर विक्रम को राजधानी से प्रस्थान की पूर्व संध्या पर राज्य के कर्मचारियों द्वारा दिया गया विदाई का एक पता प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य में सुरक्षित वापसी के लिए उनकी हार्दिक शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति थी, जिस पर महाराजा वीर विक्रम ने एक उपयुक्त उत्तर दिया। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर अपनी महारानी साहिबा के साथ 27 अप्रैल को अगरतला से बंबई के लिए रवाना हुए, 16 मई को पी उमेल बोट से बॉम्बे से रवाना हुए और 5 जून को लंदन पहुंचे महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर एडीटी कैंप के साथ। 30 जून की शाम को बकिंघम पैलेस में महामहिम राजा सम्राट के साथ एक दर्शक थे। महामहिम राजा सम्राट का जन्मदिन होने के कारण महाराजा वीर विक्रम को इस शुभ अवसर पर व्यक्तिगत रूप से अपनी निष्ठापूर्वक बधाई देने का सम्मान प्राप्त हुआ था। महाराजा वीर विक्रम और उनकी पार्टी 28 जुलाई को बर्लिन पहुंचे और वहां होटल एडलॉन में रुके। 5 अगस्त को महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर को जर्मन के चांसलर महामहिम एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में उनके आवास पर स्वागत किया। महाराजा वीर विक्रम चांसलर के निवास पर उनके आगमन और प्रस्थान पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने हिटलर के साथ एक सुखद साक्षात्कार किया था, जिन्होंने उन्हें बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से प्राप्त किया था। बर्लिन में रहते हुए महाराजा वीर विक्रम भी हिज ब्रिटैनिक मैजेस्टी के राजदूत द्वारा दिए गए एक स्वागत समारोह में शामिल हुए। महाराजा वीर विक्रम और उनकी पार्टी भी विश्व ओलंपिक खेलों के 11वें सत्र के उद्घाटन और बाद के कार्यक्रमों में उपस्थित थे, जो उस समय जर्मनी में आयोजित किए जा रहे थे। वीना में महाराजा वीर विक्रम ने प्रसिद्ध लैंजर एनिमल पार्क में कुछ शिकार किए और कुछ बहुत ही सुंदर नमूनों आदि की शूटिंग की। यूरोपीय दौरा एक सफल समापन पर आया। इस दौरे का बहुत ही सुखद और दिलचस्प के रूप में आनंद लिया गया था। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर और महारानी साहिबा पार्टी के साथ 10 सितंबर को P&O मेल बोट मूल्टन से बॉम्बे लौटे और गौड़िया मठ के स्वामी बीच बॉन और बॉम्बे के बंगाली समुदाय द्वारा उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया था। महाराजा वीर विक्रम को बाद में एक जनसभा में स्वागत भाषण दिया गया, जिसकी अध्यक्षता दंबगी के तत्कालीन मेयर श्री जुमनादास मेहता ने की। थैंक यू।